हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्लावर बनाना सीखेंगे विद पेंसिल शेडिंग। सबसे पहले मैं फ्लावर का तना बना रहा हूँ, उसके बाद लीफ बना रहे हैं। पहले पेंसिल को हल्की चलानी चाहिए ड्राइंग करते वक्त, उसके बाद आप उसको डार्क कर सकते हो। अब ये फ्लावर की शेप लेंगे पहले, फिर उसकी ड्राइंग करेंगे हम हल्के हाथ से। फिर उसके बाद आप उसको डार्क कर सकते हो, और फालतू के एरिया को हमने जो हमने रफ ड्राइंग के लिए हमने बनाया था उसको हम इरेज कर देंगे, और उसके बाद हम हमारी फाइनल लाइन को ही डार्क करेंगे। अब इसके अंदर हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। इस लीफ को आगे दिखाने के लिए हमने इसके पीछे हमने डार्क किया है, और इसको हमने राउंड दिखाने के लिए इसके किनारे से हमने डार्क कर दिया है। अब इसको डेप्थ को दिखाने के लिए इसके अंदर डार्क करेंगे हम, हल्के हाथ से शेडिंग करेंगे सॉफ्टनेस दिखाने के लिए। पेंसिल को जितने हम सॉफ्ट हैंड से चलाएंगे हमारी स्केचिंग शेडिंग उतनी अच्छी होगी। अब धीरे धीरे इसको हमने मिक्स करेंगे। राउंड दिखाने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा किनारे पर डार्क किया है ऐसे। पेंसिल शेडिंग में हमने बिल्कुल प्रेशर के साथ ड्राइंग नहीं करनी चाहिए, हमने हल्के हाथ से ड्राइंग करनी चाहिए, क्योंकि हल्के हाथ से शेडिंग करने से सॉफ्टनेस आएगी हमारा जो ड्राइंग कर रहे हैं हम उसमें। अब हम लीफ में स्टार्ट करेंगे। डेप्थ दिखाने के लिए हम डार्क करेंगे। तो इस तरह से हम हल्के हाथ से शेडिंग करते रहेंगे जब तक ये हमारा फाइनल नहीं होता है। इसको डेप्थ दिखाने के लिए हम इसके किनारे किनारे पर डार्क किया है हमने, जिससे ये पार्ट डेप्थ में दिखाई दे। अब हम इसको धीरे धीरे फाइनल करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आप लोगों के व्यू का भी मुझे पता लगे कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए और आपकी हमारी वीडियो के प्रति क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।